सो हेलो मेरे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भाई बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर ना आप लोग को होली टाइप फूड एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। आप लोग स्क्रीन पर गाइज देख सकते हो, ठीक है? एंड हमारा पहले का फोटो देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज आप लोग को करना है क्या, वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है? स्किप नहीं करना है आप लोग को वीडियो को। एंड मैं गाइज जो भी इस टाइप का मतलब PNG यूज़ करूँगा, इसमें आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने सैंपल फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देना है, ठीक है? ये रहा लाइटरूम, आपको शेयर कर देना है। एंड फ्रेंड, चलिए हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। तो गाइज आगे हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके बाद आप लोग गाइज करना क्या है, इस लाइट पर क्लिक करना है, ठीक है? एंड इसका एक्सपोजर बढ़ा लेंगे, इस टाइप से इंक्रीज कर लेना है IQ। एंड इसके शेडो को बढ़ा लेंगे, एंड वाइट को भी एंड ब्लैक को भी, ठीक है? हल्का हल्का से बढ़ा लेना है। एंड कलर पर जाना है, एंड कैबिनेस को वाइब्रेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है? ठंडे पे एंड मिक्स पे जाएंगे, एंड गाइस इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसका सेचुरेशन कम करेंगे, एंड लैमनेस बढ़ाएंगे, ठीक है? एंड इसका पूरा सेचुरेशन डिक्रीज कर देना आप लोग को दोनों का, ठीक है? जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ, आप लोग को स्वयं प्रोसेस कर लेना। एंड गाइस इस कलर को आप लोग को बढ़ा लेना, ठीक है? देख सकते हो गाइस, आप लोग को जो कलर रखना हो आप लोग रख सकते हो। हाथ पे आप लोग, हाथ पे इस टाइप आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है? एंड इसके लेमनेस बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप लोग को डन करना है, एंड इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड इसका टेक्चर को बढ़ा लेंगे, एंड क्लैरिटी को भी एंड BH को भी, ठीक है? सबसे नीचे जाना है, ग्रेन को बढ़ाएंगे, एंड साइज को भी एंड राउंडनेस को भी। एंड उसके बाद आप लोग गाइस करना क्या है, फिर से कलर पे क्लिक करना है एंड मिक्स पे, एंड गाइस सेकंड कलर पे क्लिक करेंगे फिर से, ठीक है? एंड इसका सेचुरेशन फिर डिक्रीज करेंगे हल्का सा, एंड लेमनेस को इंक्रीज करेंगे। सो गाइस देख सकते हो हमारा फेस एकदम से वाइट हो गया है, ठीक है? बिफोर और आफ्टर। तो उसके बाद आप लोग गाइज करना है क्या है, फोटो को यहाँ से आप लोग गाइज शेयर करना है सीधा ऑटोडेस्क SCH के अंदर, ठीक है? तो जो जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो हमारा फोटो आ गया अपने ऑटोडेस्क SCH के अंदर। उसके बाद आप लोग गाइज करना है क्या है, ऊपर इस पर क्लिक करना है प्लस वाले पे, एंड यहाँ से एक गाइज मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे, देखो 98 मल्टीप्लाई, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसको बैक करके ऊपर इस वाले पे क्लिक करना है, एंड ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है, एंड ये ट्रेंस का ये मीडियम ब्रश सेलेक्ट करना है आप लोग को, एंड सेटिंग पे जाना है गाइस। साइज को आप लोग कम रखना है, एंड ऑपेसिटी को 100 रखना है, ठीक है? एंड कलर को आप लोग को रखना है रेड, जो गाइस लिप का कलर होता है। एंड मेरे भाई फोटो करना है जूम, एंड अपने लिप्स पे चलाना है इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड? इस टाइप से, ठीक है? देख सकते हो, एंड फोटो करेंगे जूम आउट, एंड गाइज इसका ऑपेसिटी कम कर लेंगे इस टाइप से, एंड यहाँ से गाइज कर लेंगे मर्ज। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को रखा है गाइज, फिर से प्लस करके यहाँ से एक गाइज हार्ड लाइट ले लेंगे, ठीक है? हार्ड लाइट, एंड उसके बाद आप लोग गाइज करना है इस पर क्लिक करना है, एंड लाइब्रेरी पे फिर से, एंड गाइज देखो ये बॉल पेन है ना, बॉल पॉइंट पेन, आप लोग को ये सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेटिंग में जाना है, साइज को कम रखना है, ठीक है? एंड इधर क्लिक करना है, एंड गाइस देखिए गाइड्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे, एंड आप फोटो करेंगे जूम, पूरा जूम कर लेंगे, ठीक है? एंड इसको राउंड की तरह घुमा लेंगे, एंड यहाँ से गाइस हल्का शार्प करेंगे, ठीक है? स्टेप से जो आँखों में गाइस लेंस लगाएंगे, ठीक है? स्टेप से, एंड इधर भी सेम प्रोसेस कर लेंगे स्टेप से, एंड इसको बैक कर देंगे, ठीक है? एंड बैक होने के बाद आप लोग गाइस करना है क्या है, ऊपर इस पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आप लोग रेड पीला जो आप लोग को अच्छा लगे रख सकते हो, ठीक है? तो गाइस जैसे आप लोग को थंबनेल में दिखा हुआ होगा उस टाइप को करेंगे। तो आप लोग देखिए नीचे है ना, इस वाले को पूरे वाइट की ओर ले जाना है। देख सकते हो गाइस हमारे लेंस अलग टाइप का बन गया है, ठीक है? बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड यहाँ से करेंगे डन, एंड गाइस इसका ऑपेसिटी कर लेंगे कम, जो गाइस हमारा फोटो से मैच हो जाएगा, ठीक है? 50 रखना है आप लोग को, एंड यहाँ से मच कर देना है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आप लोग को गाइस करना है क्या, आप फेस को कर लेना है स्मूथ। तो आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है, एंड यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट कर लेना है आप लोग को, ठीक है? देख सकते हो स्मूथ राउंड, एंड सेटिंग पे जाना है, एंड साइज को तो अपने हिसाब से रखना ही रखना है, एंड फॉलो को 3, एंड स्ट्रेंथ को 11, 12, 13 रख सकते हो, ठीक है? एंड फोटो करते हैं जूम, एंड करेंगे आप स्मूथ, ठीक है? देख सकते हो गाइस स्मूथ हो रहा है हमारा फोटो। तो वीडियो कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट।
तो गाइज हमारा फेस जो है स्मूथ हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग का गाइज करना है क्या है, फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है, ठीक है। फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से शेयर कर लेते हैं। तो आप लोग को डाटा कर लेना है ऑन मेरे भाई, ठीक है। एंड थोड़ा से वेट करेंगे मेरे भाई। एंड नीचे की स्क्रॉल करते जाना है। एंड गाइस आप लोग को ब्लर पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्लर पे क्लिक करने के बाद आप लोग गाइस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से गाइस एडजस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हो वार्म है ना, वार्म इस पर क्लिक करना है। एंड वार्म को पीछे की ओर करना है, ठीक है, इस टाइप से। सो गाइस देख सकते हो हमारा जो गाइस स्काई ब्लू की ओर तरह कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का, देख सकते हो। इधर कर रहे तो गाइस एकदम से येलो टोन आ रहा है, तो इधर करेंगे तो गाइस हम ये फोटो जो है मस्त लग रहा है, तो इस टाइप से इधर कर लेंगे। पूरा नहीं करना है, अपने फोटो हिसाब से करना है, 30 के आसपास कर लेते हैं, ठीक है, 30 तक रख लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। एंड गाइस फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, एंड गाइस ब्लर पे, एंड गाइस ब्लर को कम कर लेंगे, ठीक है, 15 के आसपास रख लेते हैं। यहाँ से करते हैं डन। एंड फोटो को गाइस ऊपर शेयर वाले पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेंगे फोटो को, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। एंड गाइस चलिए हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन अंदर चलते हैं, यहाँ से पिक्सआर्ट ओपन करते हैं। एंड प्लस वाले पे एडिट फोटो पे, एंड गाइस अभी जो फोटो एडिट किया उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस हमारा फोटो जो है आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइस करना है क्या है, टूल्स पे क्लिक करना है एंड रिमूव पे। एंड गाइस जो हमारा जो फोटो रूम का लोगो आ गया इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा गाइस वेट करेंगे, ठीक है, आप लोग को नेट को ऑन रखना है। एंड मेरे भाई वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है मेरे भाई, तो आप लोग गाइस चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में। एंड गाइस आप लोग कमेंट कर देना कि भाई फोटो एडिट कैसा हुआ है। तो गाइस फाइनली जो हमारा रिमूव हो गया यहाँ से कर लेते हैं डन। उसके बाद आप लोग का गाइस करना है क्या है, टूल्स पे क्लिक करना है एंड रिसाइज पे। एंड गाइस इसको 28:28 कर लेंगे, ठीक है, अपने फोटो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों का गाइस करना क्या है, स्टिकर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से सर्च कर देना आप लोग को होली, ठीक है। एंड थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए लेट आ रहा है PNG। एंड उसके बाद सर्च करने के बाद देख सकते हो गाइस बहुत सारे PNG आ गए हैं होली का। तो आप लोगों को गाइस जो अच्छा लगे आप लोग यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। इसको देखो नीचे लगाना है इस टाइप से, एंड यहाँ से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। देख सकते हो गाइस कितना धांसू लग रहा है, इसको इस टाइप से लगा के यहाँ से कर लेंगे डन। एंड फिर से गाइस सर्च करेंगे होली, ठीक है, होली टेक्स्ट PNG। तो देख सकते हो गाइस बहुत सारा होली PNG आ गया। तो आप लोग को जो भी पसंद हो आप लोग यहाँ पे को डाउनलोड करके लगा दो, ठीक है, इस टाइप से लगा दो। एंड बहुत सारे यहाँ पे फिर से इसको हटा के सिर्फ होली रखते हैं, इसको टिक्का को लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑपसिटी हल्का सा कम कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से करते हैं डन। तो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो गाइस काफ़ी धांसू लग रहा है, आप लोग ऊपर डाउनलोड वाले पे क्लिक कर देना है, फोटो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आशा करते हैं गाइस आप लोग को वीडियो पसंद होगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है एंड आप लोग चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।